चलिए ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किए थे नॉमेनक्लेचर के बारे में। किसके बारे में बात किए थे? नॉमेनक्लेचर। ओके, तो नॉमेनक्लेचर के बाद देखिए, एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक्स में कभी कभी आप लोगों को ना बॉन्ड्स के बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स मतलब जैसे हम लोग अभी अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग हैलो एल्केन भी कहते हैं, बता रहे ना? ऐसे ही है क्या? तो ये जो मेरा अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड में हम लोग सब जानते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है हैलोजन और कार्बन के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? हैलोजन और कार्बन। सही है क्या? अल्काइल हैलाइड में बॉन्ड एक्चुअली होता है किसके बीच में? कार्बन और हैलोजन के बीच में होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अभी तो मैं फिलहाल हैलो एल्केन की बात करने वाला हूँ, लेकिन सामने में भी हम लोग कुछ ना कुछ लेसन जब पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपको ये जो बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड के नेचर के बारे में बोला जाता है दोमा का क्वेश्चन। बोला जाता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ। अब डिपेंड करेगा बॉन्ड किसके बीच में। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हो सकता है, कल चल के हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप और कार्बन के बीच में हो सकता है। कल चल के ऐसा भी हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बन के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो कभी कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, कभी कभी। ओके, तो अगर कभी कभी भी पूछा जाता है तो हमारे लिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए नॉमेनक्लेचर के बाद। ओके, क्वेश्चन लिखिए नॉमेनक्लेचर के बाद। Explain the nature of carbon halogen bond. Explain the nature of carbon halogen bond. Explain the nature of carbon halogen bond. ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड के नेचर के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है कि ये बॉन्ड कैसा है, किस तरह का है, क्या है, क्या नहीं है, सारी चीजें। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमें सारी चीजें इस बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो हमारा ये बॉन्ड बना है, ये कौन से टाइप का बॉन्ड है? क्या ये हमारा आयनिक है, क्या ये कोवेलेंट है, या क्या ये कोऑर्डिनेट है, कौन से टाइप का, ये पहले पता होना चाहिए। अरे हाँ है ना? तो क्या लगता है आपको, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड होगा ये कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है, क्या हो सकता है? कोवेलेंट हो सकता है, सब जानते हैं कि कार्बन ही क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। अरे हाँ है ना? मतलब ये बॉन्ड एक्चुअली कैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है? इस के बारे में अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो पहला बॉन्ड, मतलब मैं पहला बॉन्ड ये मेंशन कर सकता हूँ, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। बट इसमें और वर्ड ऐड करने वाला हूँ, वो वर्ड ऐड करने से पहले मैं कुछ और एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हम सब जानते हैं कि इन दोनों में ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सब कुछ पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे डिसाइड होती है? उसके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करने की कैपेसिटी के बेसिस के ऊपर। बताया था इलेक्ट्रोनिटी इज अ कैपेसिटी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना? तो हम जानते हैं दोनों में हाइड्रोजन एक ऐसा है कि जिसकी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। एज पर दैट इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है मतलब ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, और अगर अपनी तरफ खींच सकता है मतलब इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ सकता है, और अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे हाँ है ना? मतलब गाइस यहाँ पे तो मुझे पोलर बॉन्ड बनते दिख रहा है, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये पोलर ही बॉन्ड होता है, एग्जैक्टली। बस हमें पता होता है कि वह कोवेलेंट बॉन्ड है। देखिए कौन से टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये समझ में आया सबको? आया ना? इट बेस्ड ऑन इट्स इलेक्ट्रोनिटी डिफरेंस। दोनों के इलेक्ट्रोनिटी डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन की ज्यादा है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब खींचने की क्षमता ज्यादा रखता है, इसी वजह से जब भी ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, भले ही करते दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
लेकिन वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड किसकी तरफ होते हैं? ओके, और यहाँ पे दोनों में कौन है? हैलोजन। कौन है? समझ में आया? तो पहला बॉन्ड हम लोग ये लिख सकते हैं नेचर एक्सप्लेन करते टाइम में कि द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अरे हाँ है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सेकंड बॉन्ड हम लोग ये लिख सकते हैं ओके कि इन दोनों में जैसे हम लोग जानते हैं कि हैलोजन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी ये जो हैलोजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, इसी वजह से ये हैलोजन जो है पार्शियल निगेटिव चार्ज कैरी करता है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, बॉन्ड के वजह से ही तो कर रहे हैं ना ये, बॉन्ड के मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ही कर रहे हैं। लेकिन बात तो ऐसे कि ये जब अपने जब खींचेंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या है ना पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर चार्ज क्या है ना पार्शियल पॉजिटिव। तो सेकंड बॉन्ड आप ये मेंशन करते हो, मेंशन कर सकते हो कि हैलोजन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, देयरफॉर हैलोजन इज कैरिंग और एग्जिबिट पार्शियल नेगेटिव चार्ज वेयर एज कार्बन एग्जिबिट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट क्लियर है? पॉइंट नंबर थर्ड, हम सब जानते हैं इसमें जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है ना। हेलो अल्केन की बात कर रहे हो? हेलो अल्केन है ना, मतलब उसके बाजू वाला 100% क्या है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। अरे हाँ है ना, और ये sp3 हाइब्रिडाइज होने के साथ साथ क्या करता है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है कौन से टाइप की ओवरलैपिंग होती है? sp टाइप की ओवरलैपिंग, मतलब ये जो बॉन्ड है ये ओवरलैपिंग की वजह से ही बना है। पढ़े थे 11वीं क्लास में, अब तुम्हें याद नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस कंपाउंड में कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है और उसी वजह से यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है कौन से टाइप की हुई है? sp3 हाइब्रिडाइज। ओके, ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन है, दिस इज द ओवरलैपिंग। भाई हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड किसकी वजह से होता है? कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं। अब ये sp3 है, sp3 है मतलब ओवरलैपिंग किसकी किसकी हुई है? हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? अरे बोलो ना, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इंटरमिक्सिंग हुई है। अरे है ना, किसकी हुई है? अरे हाँ है ना, मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग किसकी हुई होगी? sp ऑर्बिटल की। क्लियर इतना? उसके बाद पॉइंट नंबर फोर्थ हम लोग ये लिख सकते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं हैलोजन, ये जो हमारे हैलोजन आइटम्स होते हैं, हैलोजन अगर मैं फ्लोरीन से लेके एडिन तक की अगर बात करता हूँ तो नीचे नीचे जाते जाते हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे एटॉमिक साइजेस बढ़ते बढ़ते जाते हैं, एटॉमिक साइजेस बढ़ते बढ़ते जाते हैं, और एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ क्या होंगी? बढ़ते बढ़ते जाएंगी। भाई एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगी? बढ़ेंगी। बॉन्ड लेंथ मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स, एटम्स के बीच में, एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं? बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे एटम का साइज अगर बढ़ते बढ़ते जाएगा तो डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते बढ़ते जाएंगे। हम बॉन्ड के बारे में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ में आ रहा? बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ अगर कंटिन्यू बढ़ेंगी तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी वीकर क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी को हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। अरे हो रही है ना, मैं आपको ये 11वीं में बताया था, लंबी गाड़ी है उसको आप आराम से तोड़ सकते हो, छोटी गाड़ी की अगर लो तो उसको तोड़ने में दिक्कत जाती है, होती है, वो डिपेंड करता है गाड़ी का साइज, साइज मतलब विड्थ। कभी ट्राई करना, अगर विड्थ ज्यादा होंगी छोटी लकड़ी होंगी तो उसको तोड़ने में दिक्कत जाती है, बट उतनी ही विड्थ अगर रहती है लेकिन गाड़ी अगर लंबी रहती है तो टूट जाती है। ग्रेटर द लेंथ वीकर द स्ट्रेंथ, समझ में आ रहा क्या? दिस इज ऑल अबाउट, बाकी कुछ भी नहीं, इतना लिख लिया तो भी काम करता मैं दोनों के लिए। पहला बॉन्ड क्या बोला? द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पॉइंट नंबर सेकंड, टियर हैलोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, देयरफॉर इट एग्जिबिट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट एग्जिबिट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। थर्ड पॉइंट में हम लोग ये लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, क्या बताया था थर्ड पॉइंट में? ओके, हियर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, देयरफॉर द ओवरलैपिंग इज sp टाइप, ओवरलैपिंग मतलब टाइप की होती है sp टाइप की होती है। और फोर्थ पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं,
डाउन द ग्रुप या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम फ्लोरिन टू आयोडिन द एटोमिक साइजेस इंक्रीजेस. फ्लोरिन टू आयोडिन, फ्लोरिन टू आयोडिन क्या हो रहे हैं, एटोमिक साइजेस बढ़ रहे हैं. देयरफोर फ्रॉम फ्लोरिन टू आयोडिन एटोमिक साइजेस इंक्रीजेस, देयरफोर बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीज. और फिर कौन हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं, ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ वीकर द बॉन्ड स्ट्रेंथ. दैट्स इट, समझा पॉइंट्स क्या लिखने हैं. ओके सो लिखो राइट डाउन पॉइंट नंबर फर्स्ट, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इज, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पॉइंट नंबर सेकंड हियर कॉमा हैलोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव. हियर HERE हियर हैलोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन फुल स्टॉप. देयरफोर कार्बन एग्जिबिट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हैलोजन एग्जिबिट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज. पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. द कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द ओवरलैपिंग इज sp एंड द ओवरलैपिंग इज sp. डन. नेक्स्ट वन, द एटोमिक साइज फ्रॉम फ्लोरिन टू आयोडिन द एटोमिक साइज फ्रॉम फ्लोरिन F टू आयोडीन, फ्लोरिन टू आयोडीन इज इंक्रीजेस द एटोमिक साइज फ्रॉम फ्लोरिन टू आयोडीन इज इंक्रीजेस. देयरफोर बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीजेस. नेक्स्ट पॉइंट, एक बचा है ना, ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ वीकर द डैश 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 डैश. जो लिखना है अपने मर्जी से लिखना, वरना छोड़ देना. ठीक है, क्या लिख रहे हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ. गुड. और हाँ, ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लो उसमें. ये वाला स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लो. जा जमा
कहे पे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिए थे कि हर टॉपिक में हर टॉपिक को चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक इंट्रोडक्शन प्लस नॉमिनल लेक्चर, सेकंड प्रिपरेशन मेथड, थर्ड केमिकल रिएक्शन एंड फोर्थ यूजेस एंड ऑल जो भी उसमें आता होगा फाइनली वो व्हाटएवर इट में भी। ओके तो पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट के ऊपर हम लोग जंप करेंगे। जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे लिखा है क्या पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अल्काइल हैलाइड, बराबर है। तो जो चीज पढ़ रहे हैं इस चीज को प्रिपेयर करने के तरीके भी होंगे। अब ऑब्वियसली किसी भी पर्टिकुलर चीज को बनाने के एक ही तरीके होते हैं क्या, नहीं, उसके नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं उसको प्रिपेयर करने के, अरे हाँ ना। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन, उसी को हम लोग कहते हैं अल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर डैश एस से। कैसे प्रेजेंट करते हैं, आर डैश एस से। और उसकी पहली जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले प्रिपरेशन की वो कौन सी है, हैलोजनेशन। क्या है गाइस, हैलोजनेशन। अब मेरा पहला सवाल ये है कि हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है, यस एडिशन ऑफ। मैं ना कभी झूठ नहीं बोलता, फैन चल रहा है लाइट भी चल रहा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता सच में। तुम लोग ना सच में बहुत होशियार हो, लिटरली बता रहा हूँ, दिल पे हाथ रखे कसम खाता हूँ, ठीक है झूठ नहीं बोलूंगा, दिल पे हाथ रखे कसम खाता हूँ, तुम लोग सच में होशियार हो। मॉर्निंग वाली बैच में यही सवाल पूछा था, हैलोजनेशन क्या होता है, एक भी बच्चे ने जवाब नहीं दिया। फिर दूसरा सवाल पूछा, मैं बोला पहला नहीं आता दूसरा तो दे दो, डी हैलोजनेशन क्या होता है ये पूछा, तो उन्होंने बोले रिमूवल ऑफ हैलोजन, तो मैं बोला हैलोजनेशन क्या होता है, तो मैं सर एडिशन ऑफ हैलोजन। एंड यू गाइस एंड लिटिल ओके, तो पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हैलोजनेशन। हैलोजनेशन का मतलब सब जानते हो, एडिशन ऑफ हैलोजन, मतलब यहाँ पे हम लोग हैलोजन एड करने वाले। चलो एक सिंपल एक स्ट्रक्चर कुछ बनाने की कोशिश करते, मान के चलिए अगर मैं हैलोजन एड कर रहा हूँ, तो भाई मैं अगर हैलोजन ऐड कर रहा हूँ तो बना रहा क्या रहा हूँ, ये भी तो पता है हमें, क्या बना रहा हूँ, अल्काइल हैलाइड बना रहा हूँ। तो आप बताइए कि मैं अल्काइल हैलाइड बना रहा हूँ, हैलोजन ऐड कर रहा हूँ, तो किस में ऐड करूँ तो अल्काइल हैलाइड बन सकता है। ऑब्वियसली पहले दिमाग में एक ही चीज आती, कौन सी, कि अगर मैं अल्केन में आरएचएच अल्केन है ना, अल्केन को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसा कोई है जिसको पता नहीं था ये बात, चलो बहुत बढ़िया। मैं बोला तुम लोग हो तो रिएक्शन समझ ही गई होगी, अब क्या समझाओ उसमें, अब कोई निकाल के बचने वाला होगा तो निकाल लो, क्या होगा, याका है तो याका एच एच क्लियर। मतलब अगर मुझे हैलोजनेशन से अल्काइल हैलाइड बनाना है तो करना क्या पड़ेगा, बस मुझे अल्केन के साथ हैलोजन को रिएक्ट कर देना पड़ेगा, इज दैट क्लियर। अगर मैं अल्केन के साथ अगर हैलोजन को रिएक्ट कर देता हूँ तो मुझे सिंपल मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट व्हाट अल्काइल हैलाइड। बट बात यही है कि क्या हैलोजन मेरा एक ही होता है, नहीं, तो फिर अगर हैलोजन एक ही नहीं होता है इसका मतलब मुझे बाकी चीजें जो हैलोजन में आती है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्लोरीन हैलोजन है, ब्रोमीन हैलोजन है, आयोडीन हैलोजन है, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हैलोजनेशन में क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, और गाइस अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, मैं बोला आप लोग होशियार हो, तो आपको ये भी बताऊंगा कि जब जब हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं ये किसके प्रेजेंट में होती है रिएक्शन, किसके प्रेजेंट में होती है, यूवीरेस के प्रेजेंट में होती है। तो सिंपल रिएक्शन है, बना लू क्या है, अल्केन, अपने थामा वामा थामा अल्केन 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 सर अल्केन के साथ क्लोरीन ऐड करूंगा, किसके बेस में, यूवीरेस या सनलाइट जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो, ओके सनलाइट। तो क्या हो जाएगा, क्या एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेगा, क्या बनेगा, आर बनेगा। ऐसे पांचन वाली केमिकल रिएक्शन कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछती है, तो फिर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई, वो बना रहे हैं तो उसके पूरे मेथड देखना पड़ता है इसलिए पढ़ रहे, और कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, लेकिन पता होना चाहिए कंसेप्ट है कि जब जब मैं क्लोरीनेशन करूंगा तो किससे प्रेजेंट में होगा,
सनलाइट या यूवीरेज मोटरेट में भी जो बोलना है वो बोल सकते हो, समझा। अब क्या मुझे इसका स्टेटमेंट बताना पड़ेगा? चलो बहुत बढ़िया, तो यस आप स्टेटमेंट बता सकते हो कोई भी आप लोगों में? काफी मैं जानता था आप लोग होशियार हो, सबने हाथ ऊपर किए, बहुत बढ़िया। तो कौन बताएगा? अरे इतने सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया तो मैं किसका नाम लूं, अभी ये डाउट आ रहा है। कौन बताएगा? क्या बोला उन्होंने? व्हेन अल्केन रिएक्ट विथ अल्काइल क्लोराइड। कितने लोगों को लगता है कि मैंने इसके एग्जांपल भी पढ़ाना चाहिए? पढ़ाऊ? वेस्ट ऑफ लक, वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ वेस्ट ऑफ लक, सिंपल है भाई। क्या करने वाला हूँ मैं? इस बंदे को निकाल के फेंकते जाऊंगा और इसके एक कंपाउंड डालते जाऊंगा, समझा ना। चलो लिखो स्टेटमेंट, मतलब जो एडिंग्स है वो एडिंग्स लगाओ। हाँ पहले ये वाली रिएक्शन लिख दो और बाद में क्लोरीनेशन लिखो, ठीक है? कोई चलो लिखो स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे? व्हेन अल्केन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन अल्केन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इड्यूस अल्काइल क्लोराइड। हैलाइड लिख लिया तुमने? मैं जानता तुम हो चलो, इड्यूस अल्काइल क्लोराइड। तो दिक्कत रिएक्शन बना लोगे गाइस? बहुत सिंपल है बेटा, इसमें ऐसा मत करो कि मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाए, इज दैट क्लियर? क्योंकि इतना समय नहीं कि मैं पांच छह चीजें फिर से ग्यारहवीं की पढ़ा दूं और ये पढ़ा के हो गए। अगर आप घर में जाकर रेस्ट देखोगे तो ये रिएक्शन मिल भी गए होंगे, ओके? इसकी एग्जांपल वहां से भी देख के लोगे तो चल जाएगा, क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालो ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ ब्रोमीन, क्या होगा? एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो गाइस जब भी हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं, क्या करते हैं? ब्रोमिनेशन, तो आपको हमेशा याद रखना है जब जब हम करेंगे ब्रोमिनेशन तो रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राई ब्रोमाइड। किसके प्रेजेंस में होती है? अनहाइड्रस एल बी आर थ्री, ओके? तो चलो बनाओ रिएक्शन, क्या है ना बोलो? प्लस बी आर टू आर डैश एच, क्या हो जाएगा? RBR प्लस HBR। RBR क्या होता है? अल्काइल ब्रोमाइड। तो स्टेटमेंट बना सकते हो? बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आएगा, व्हेन अल्केन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlBr3 इट यूज अल्काइल ब्रोमाइड, ओके? लिखिए जल्दी से। चलो सपोज करते हैं ऐसा क्वेश्चन है, आप सोचिए रिएक्शन, आपको खुद को ट्राई करना है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, हाउ विल यू प्रिपेयर, लिसन हियर बोली क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, हाउ विल यू प्रिपेयर आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड फ्रॉम एन प्रोपेन। Listen carefully once again. How will you prepare isopropyl bromide from N propane? तो मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन सही है जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं? C3H8 plus Br2
CH3-CH-Br-CH3+HBr और यहाँ पे तुम्हारा जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही हो, क्या ये रिएक्शन सही है? हाँ या ना? हाँ वाले हाथ तो बरकरार। अच्छा नाम वाला हाथ पर जो बोलते हैं गलत साइड पे, वो वीडियो वाले तुम्हें देख रहे हैं, मैंने वो थोड़ी देर पहले बताया कि आप तो होशियार हो करके, वो गलत कह रहे हैं ना, मैं सही है या गलत है? अगर गलत है महिला नू मी क्वेश्चन का विचार लो तो हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड फ्रॉम एन प्रोपेन From एन प्रोपेन, एन प्रोपेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेचन। ये स्ट्रेचन है क्या? अरे स्ट्रेचन है क्या? तुमने जैसे का पॉइंट देख लिया फिर ऐसा गलत क्या हुआ है? समझा क्या? क्या करना पड़ेगा? CH3, CH2, CH3 समझ में? दिस इज योर एन प्रोपेन मेंशन, सामने मैंने एक नाम मेंशन किया था क्या? एन, और अगर एन बोला गया है तो तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझा क्या? और आंसर समझ में है? गलती क्या की ये समझा? मैंने बोला कि हमें आइसोप्रोपाइल बनाना था, बनाना था मतलब क्या? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल बनाना नहीं ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना तो था पर किससे बनाना था? प्रोपेन से नहीं, एन प्रोपेन से। अगर एन बोला है तो आपको स्ट्रेट चेन लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आया? तो क्वेश्चन लिखो, हाउ विल यू प्रिपेयर, वही क्वेश्चन जो अपन ने पूछे, हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, हाउ विल यू प्रिपेयर आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड फ्रॉम एन प्रोपेन रिएक्शन बोर्ड पे है, लिखना होगा तो लिख सकते हो। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट है आर्डिनेशन। क्या है आर्डिनेशन? देखिए जब मैं आर्डिनेशन करता हूँ अल्केन का, अल्केन का क्या करता हूँ? आर्डिनेशन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन वो तो जाता है अगर मैं नॉर्मली करता हूँ तो, बट यहाँ पे दिक्कत ऐसी आती है कि हमारी रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में चल जाती है। कौन सी कंडीशन में चल जाती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। और आपको इसके पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में गई इसका मतलब रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल। ऐसे होती है रिवर्सिबल, मतलब मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि प्रोडक्ट फिर से कैमरा होना चालू हो जाएगा रिएक्टेंट में। समझ में आ रहा है? मतलब सपोज करते ये अल्केन है, अगर मैं अल्केन को आयोडीन के साथ रिएक्ट करता हूँ तो क्या बनेगा? अल्काइल एडेड तो बन तो जाएगा, यहाँ पे HI भी बाहर निकल जाएगा, बट ये रिएक्शन कैसे होती है? रिवर्सिबल। बट मुझे रिएक्टर थोड़ी होना, मुझे तो होना प्रोडक्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस रिवर्सिबिलिटी को रोकना पड़ेगा। अरे यानी तो रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए मुझे किसी ना किसी रोकने वाले की जरूरत होगी, और रोकने वाले के लिए हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। हम यहाँ पे तीन टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं तीन स्पेशली बता रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें काफी सारे रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोआयोडिक एसिड HIO3, हाइड्रो आयोडिक एसिड,
या फिर नाइट्रिक एसिड, क्या बोला मैंने, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये क्या है मेरे रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है मेरे रिड्यूसिंग एजेंट। इनका काम क्या होगा, इनका काम है रिवर्सिबिलिटी को रोकना, इनका काम क्या है रिवर्सिबिलिटी को रोकना, इज दैट क्लियर। तो हम इनमें से किसी का भी यूज करके हमारे रिवर्सिबिलिटी को रोक सकते हैं और जो मेरा फाइनली प्रोडक्ट मुझे होना वो मुझे मिल सकता है, इज दैट क्लियर। चलो एक काम करते, रिएक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अल्किन, अल्किन को मैं आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए मैंने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया। चलो मान के चलते मैं यूज कर रहा हूँ HGO, यूज कर रहा हूँ HGO, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये तो कंफर्म है मुझे अल्कल हाइड्राइड बनाना है, तो ये तो मेरा कंफर्म है R-I बन गया, क्या बना R-I, कोई दिक्कत है प्लस। अब देखिए यहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये अपने बॉन्ड तोड़ ही देगा, अरे आया ना, ताकि रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल ना हो। तो मर्क्यूरी देखिए, ऑक्सीजन का चार्ज तो माइनस होता है, ये तो सबको बताऊंगा, मतलब मर्क्यूरी का चार्ज 100% क्या होगा प्लस, मर्क्यूरी की वैलेंसी दो होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, अरे हवा नहीं। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन गया, इसका चार्ज क्या है प्लस, अरे होता है क्या। और यहाँ पे आयोडीन, एक आयोडीन यहाँ पे चला गया, एक आयोडीन बचा भी तो है, उसका चार्ज क्या होता है माइनस। तो मुझे बताओ कौन किसके साथ जाने की पॉसिबिलिटी है, क्या ये हाइड्रोजन इस मर्क्यूरी के साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो फिर ये किसके साथ जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और मर्क्यूरी किसके साथ जाएगा आयोडीन के साथ, जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आप बोलोगे सर हाइड्रोजन का चार्ज प्लस है, आयोडीन का चार्ज माइनस है, तो ये हाइड्रोजन आयोडीन के साथ क्यों नहीं जा रहा है भाई, उसी के साथ जाना होता तो मैंने इसको ऐड फालतू में क्या रहता, क्या उसी को तो मुझे रोकना था, अरे हाँ ना, क्योंकि बॉन्ड बिकर होता है, जल्दी टूट जाता है, इजैक्टर मुझे यही चीज रोकनी थी इसको इसका रिएक्ट होने से, क्यों, क्योंकि ये इसका जुड़ तो जाएगा लेकिन बॉन्ड बिकर होने की वजह से फिर से टूट जाएगा, समझ आ रहा है, और फिर से वो मेरा रिएक्टेंट बन सकता है जो मुझे रोकना है रिएक्टेंट बनने से, तो मुझे इसको इससे साथ रिएक्ट नहीं होने देना है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचा, हाइड्रोजन को मर्करी के साथ रिएक्ट करूंगा, क्या प्लस प्लस पॉसिबल है, तो फिर ऑप्शन क्या बचा, हाइड्रोजन के साथ जाएगा, तो हाइड्रोजन ऑप्शन का मुझे क्या बनेगा, क्या बनेगा OH ग्रुप बाहर निकलेगा, वो स्टेबल होता है क्या भी OH, क्या निकलेगा वॉटर, समझ में, मतलब क्या है प्लस H2O OH बोलते हैं। OH कैसे निकलेगा, वो OH स्टेबल तो भी होता है क्या, चार्ज कैरी करके निकलता है OH बोले तो, OH माइनस होता है बेटा, स्टेबल का है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, यहाँ पे एक दी तुमने तो एक वैलेंसी तो खाली है उसकी अभी भी, इसका मतलब कंपाउंड कौन सा बनेगा वॉटर, इसका मतलब दो हाइड्रोजन जाना चाहिए, ध्यान में रखना, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। देन मर्क्यूरी है, ये किसका जाएगा, आयोडीन के साथ जाएगा, तो HGI पर मर्क्यूरी की वैलेंसी कितनी होती है, कहा ना दो, और आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है बोलो ना, एक, तो ये स्टेबल है क्या, स्टेबल है क्या, नहीं है कि है, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, HGI2, वेरी गुड, समझ में आया क्या भाई, कंपाउंड बनता है तो स्टेबिलिटी के हिसाब से बनता है, ओके। और कुछ बचा क्या, अभी रिएक्शन बैलेंस करने की बची होंगी, बाकी सब स्टेबल है, कंपाउंड प्रॉपर बन चुके हैं, बस क्या बचाऊंगा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जैसे बैलेंसिंग कैसे करेंगे बोलो, देखो अभी दो हाइड्रोजन निकले थे ना वॉटर में, तो इसका मतलब मुझे लगता है अभी दो अल्किन ग्रुप लेना पड़ेगा, तभी तो हाइड्रोजन निकल पाएंगे, एक का एक दूसरे का एक, अरे हो कि नहीं। अब आयोडीन कितने उधर, तीन, और यहाँ पे कितने हैं दो, अब दो को तो तीन बनाने से रहा, लेकिन दो को चार तो बना सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा दो, और अगर ये भी नहीं समझ में आता तो देखो यहाँ पे अल्किन ग्रुप कितने थे दो, तो यहाँ पे लगा दो दो, अब आयोडीन कितने हो गए वहां पे चार, तो यहाँ पे लगा दो दो, दो दो ना चार, अब रिएक्शन बैलेंस देखो एक बार,
दो अल्कल ग्रुप दो अल्कल ग्रुप एग्री, दो हाइड्रोजन एटम दो हाइड्रोजन एटम आया ना, एक मर्क्यूरी एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, चार आयोडीन चार आयोडीन है कि नहीं है। देखो देखो अपन ये भाग के नहीं जा रहे है बैलेंस। तो क्या बोले रिएक्शन समझी क्या? रिएक्शन जब भी बनाते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वापस सब प्रोडक्ट क्या बनते हैं। एग्जैक्टली इसमें समझा क्या मैंने, वहां पे वाटर ही क्यों बनाया? क्लियर है? तो मैंने नहीं बनाया, रिएक्शन में अपने आप निकलता है, बट हमें पता होना चाहिए कि क्यों निकलता है। क्योंकि ऑक्सीजन ही किसके साथ जा सकता है? हाइड्रोजन के साथ ही जा सकता है। मर्करी किसके साथ जा सकता है? हाइड्रोजन के साथ ही जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए तो इसका यूज किया थे। क्लियर है क्या? चलो लिखो, वेन एडिनेशन में लिखिए, जैसा ऐसा बता रहा हूं वैसे वैसे लिखिए, ठीक है? वेन अल्केन, वेन अल्केन रिएक्ट विथ आयोडीन, वेन अल्केन रिएक्ट विथ आयोडीन इट गिव्स अल्काइल आयोडाइड, इट गिव्स अल्काइल आयोडाइड को स्टॉप, उसी पर कंटिन्यू करो। इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ऊपर वाली रिएक्शन लिखना जो हमें लिखना नहीं पड़ता, एग्जैक्टली बट मैं आपको बताया कैसा होता है करके, ठीक है ना? ऊपर वाली रिएक्शन लिखिए, डन। हो गया क्या? टू बी कंटिन्यू, टू रिड्यूस द रिवर्सिबिलिटी, टू रिड्यूस द रिवर्सिबिलिटी, टू रिड्यूस द रिवर्सिबिलिटी यूज reducing agents like mercury oxide board पे लिखा है, देख सकते हो, bracket में लिखे HGO bracket close hydroiodic acid कॉमा ब्रैकेट में वो लिख दीजिए फॉर्मूला HAO3 कॉमा नाइट्रिक एसिड डन ब्रैकेट में HNO3 फुल स्टॉप। अब लिखो नीचे में, अब इस रिएक्शन के लिए स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं, ठीक है? सो when alkane react with iodine with mercuric oxide when alkane react with mercuric oxide it gives alkyl iodide, it gives alkyl iodide, it gives alkyl iodide। बोर्ड पे रिएक्शन मेंशन है, लिख लीजिए। एग्जांपल मुझे करवाना पड़ेगा या कर पाऊंगे? बोलिए जल्दी से, पक्का? श्योरली क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, ओके? आपको प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट के हिसाब से रिएक्शन बनानी है, भूलिएगा मत, ठीक है?
किसी को कोई भी डिफिकल्टी होती है रिएक्शन बनाने में मुझसे आप कभी भी पूछ सकते हो। ऐसा मत बोलना कि सर आपने समझा दिया तो आपका काम खत्म हो गया, सर हमारा खत्म हो गया पढ़ लिए तो, नहीं आ रहा तो पूछिए। रिएक्शन बनाना बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, अल्केन ग्रुप को रिप्लेस करते जाना उससे कंपाउंड से। ओके क्लियर है क्या? बाकी देखेंगे ना इस क्लास में।